Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे कमेंट्स क्या होते हैं, तो चलिए स्केप सीक्वेंस देखते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे नोट्स हैं, ये एक एक चीज को मैं एक एक करके समझाऊंगा, और मेरी वीडियो खत्म होने के बाद आप जब भी चाहें इन नोट्स को उठा के, कोड भी मैं आपको दे दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा, आप जब चाहें जब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने tut4.py नाम से फाइल बना ली है। अब मैं सबसे पहले हेडिंग लगा लेता हूँ, एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस अब इसे मैंने कमेंट की फॉर्म में कर लिया है ताकि मेरा एरर ना शो करे। तो दोस्तों, जब मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज बता रहा था, तो मैंने वहां बताया था कि जब आप डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर डबल को लिखेंगे तो आपको एरर शो करेगा। तो मैं दिखाता हूं आपको पहले करके कि अगर मैं लिखता हूं हेलो दोस्तों हाउ आर यू, अभी मुझे एरर शो करेगा। पर मुझे इस एरर को रिमूव करना हो तो मैं एस्केप सीक्वेंस का यूज कर सकता हूँ, एक आगे स्लैश लगा के, एक इस तरफ लगा के, और अब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए मुझे कोई एरर शो नहीं करेगा। इस तरीके से सिंगल में देख लेते हैं कि सिंगल में किस तरीके से काम करेगा। तो अगर मुझे लिखना हो सिंगल में इट्स, ठीक है, लिखना हो मुझे इट्स ओके, तो मुझे पता है एरर शो करेगा मेरा। अगर आपको नहीं पता तो देखिए रन करके दिखा देता हूँ, एरर शो कर रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा एरर शो ना करे तो मुझे यहाँ पर एक अपना सिंगल कोट लगा देना है, अब ये मुझे एरर शो नहीं करेगा। तो इट्स ओके, प्रिंट ओके आ गया। तो हमने देखा कि स्केप सीक्वेंस ने किस तरीके से जो हमें प्रॉब्लम अराइज हो रही थी प्रिंट के अंदर चीजों को ठीक करने के लिए, इसने आसानी से कर दी। अभी हमारे एक स्केप सीक्वेंस हमने देख लिया सिंगल कोट क्या होता है, अब हम देखते हैं कि बैक स्लैश क्या होता है, यानी कि हमारा सेकंड स्केप सीक्वेंस जो ये है बैक स्लैश, ठीक है। आप नोट्स में आराम से देख लेना बाद में, तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे बैक स्लैश किस तरीके से काम करता है। अगर मैं लिखता हूँ हे आई एम बैक स्लैश, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से पास कर देता हूँ, तो मैंने दो बार पास कराया तो इसका मतलब है मुझे एक ही बार बैक स्लैश आएगा। यहाँ पे दो बार पास करे हैं और यहाँ पे मुझे दिख सकता है कि मेरा एक बार ही आया है, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दे देता हूँ फन वे में, कि अगर आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूंगा, फिर उसके अंदर मुझे पता है जब मेरा डबल बैक स्लैश होता है उसका मतलब एक होता है, तो यानी कि सिंगल डबल बैक स्लैश, सिंगल डबल बैक स्लैश, सिंगल डबल बैक स्लैश, सिंगल डबल बैक स्लैश, सिंगल डबल बैक स्लैश। अब मैं इसे जब रन करूंगा तो देखिए मेरा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रिंट होके आ गया। तो दोस्तों, ये फन वे की चीजें काफी आसानी से हो जाती हैं, पर छोटे छोटे लॉजिक होते हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, जिसके लिए मैं बैठा हूं, मैं करवाऊंगा आपको पाइथन अच्छे से। अब बात आती है न्यू लाइन की। न्यू लाइन क्या सजेस्ट करता है मुझे कि सपोज कीजिए मैंने लिखा हेलो और यहां मैं लिखना चाहता हूं वर्ल्ड, और मैं चाहता हूं हेलो अगली लाइन में आ जाए और वर्ल्ड अगली लाइन में आ जाए, तो ये किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब इसे प्रिंट करके दिखाता हूं मैं, प्रिंट हेलो, अगर मैं इस तरीके से न्यू लाइन लगा दूं या जो वर्ल्ड, अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख पाएंगे कि हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में आ गया, हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में आ गया। अगर मैं यहाँ पे आर पास कर दूं तो देखिए क्या करेगा, सिंपल इसने मुझे वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इतना होने के बाद अगर अगला हम देखते हैं कि टैब क्या काम करता है मेरा, तो प्रिंट हेलो, टैब क्या काम करता है आपके लैपटॉप में, आप वो सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे टैब को हम टी से दिखाते हैं, तो टैब हमारा एस्केप कर देगा थोड़ी सी जगह हमारे लिए, देखिए जितने टी दूंगा मैं उतनी ज्यादा स्पेस पैदा करता चला जाएगा मेरे लिए, जैसे टी 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 चार बार लिख दिया मैंने, अब देखिए कितना गैप आ गया चीजों में, हेलो और वर्ल्ड कहाँ आ गया। इस तरीके से स्पेस हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से हमारे वर्ड्स के बीच में। अब एक और देख लेते हैं लास्ट में बैक स्पेस किस तरीके से काम करता है। जैसे आपने लिखा कि प्रिंट हेलो,
ठीक है, उसके बाद आपके में थोड़ी जगह है कि आपने इस तरीके से बी लगाया और आपने लिख दिया वर्ल्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि बी से पहले स्पेस है, अगर इस स्पेस को रिमूव करना हो तो देखिए हेलो वर्ल्ड एक साथ आ गया बैक स्पेस बैक स्लैश की हेल्प से। तो ये कुछ स्केप सीक्वेंस थे दोस्तों हमारे जो इस तरीके से वर्क करते हैं, और मेन स्केप सीक्वेंस यही थे। और अगर आपको और जानने हो तो आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको दो चार दिख जाएंगे, पर जो मेन होते हैं आपके आगे तक काम आएंगे वो यही स्केप सीक्वेंस थे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।